गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर कम्प्लीटली फाइन। आज मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी, वंदन है। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इनका जन्म आगरा के उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखीं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चमकू आदि। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 ईस्वी में हुई। इस कविता का मूल भाव हम समझते हैं कि इस कविता में क्या कह रखा है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अविरल प्रवाह की प्रशस्ति के लिए हम भारतीयों को गर्व है, मतलब जो निरंतर चलने वाली होने वाली प्रशंसा है, इसके लिए हम भारतीयों को गर्व है। ये देश संपूर्ण विश्व में अनेकता में एकता का विलक्षण उदाहरण है। पूरे दुनिया में हमारे देश में अनेकता में एकता पाई जाती है, ये इसका अलग विलक्षण अद्भुत उदाहरण है। मीन्स कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तब भी यहाँ पर एकता है। इसी देश की गोदी ने हमें खिलाया, अपनी विपुलता से हमारा पालन पोषण किया और अपनी हार्दिकता से खुले दिल से हमारी सुरक्षा की। ये हमारी मातृभूमि है। अपने देश के संकटों में मन, कर्म और वचन से इसके साथ खड़ा होना और यदि आवश्यक पड़े तो इसके लिए अपना जीवन अर्पण करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इस कविता में कवि यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। यदि हम सब राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। इस स्वर्ग सदृश, इस स्वर्ग जैसे मातृभूमि को हमारा कोटि कोटि वंदन है। अब हम कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में रहा झूलता पला, पैर पर खड़ा हुआ जिसके आसमान के नीचे आंचल में, मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा ना कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। कवि सर्वप्रथम अपने मातृभूमि को, अपने देश को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और आगे कहता है कि इस देश की मिट्टी धूल एक महकते चंदन के समान है। अब कवि अपने बालक मन की मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि जिसकी गोदी में मैं पला, जहाँ पर मैं खेल खेल कर बड़ा हुआ, जिसने मुझे झूला झुलाया, पाला और अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसके आसमान के नीचे, जिसके आसमान जैसे आंचल के नीचे, मैं नटखट सा चंचल बालक इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए, जिस मातृभूमि ने मेरे लिए सब सहा पर कुछ ना कहा, मैं ऐसी मातृभूमि को 100 बार अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे पढ़ते हैं हम कविता। है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी हैं। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं की कल्पलता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। कवि आगे कहता है कविता में कि दुनिया में बहुत से सुंदर देश हैं, लेकिन जो मेरा देश है इसकी शोभा अलग ही है। मेरा देश सभी देशों में प्यारा है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता, मतलब जो स्वर्गलोक है उसकी भी सुषमा जो सुंदरता है, एक एक करके सब मेरे देश की सुंदरता के आगे हार गई हैं। हम सब की आशाएं अभिलाषाएं उस कल्प वृक्ष से पूरी हो सकती हैं जो देवताओं का वन है, जो देवताओं का वन है। उस कल्प वृक्ष से हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं। इसमें कवि यही कह रहे हैं कि मेरा देश सबसे प्यारा है। इसमें विश्व बंधुत्व की भावना को व्यक्त किया है कवि ने। अब कविता आगे पढ़ते हैं। कवि कहता है आगे, जब तक हूँ मैं रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। कवि कहते हैं कि जब तक वह जिंदा है तब तक अपने देश पर रत्ती भर भी, मीन्स थोड़ी भी आँच नहीं आने देगा। वह बालक हैं पर उस वीर भरत का वंशज भी है। उस वीर भरत जो भरत थे शकुंत और दुष्यंत के बेटे, उस वीर भरत के वंशज में पैदा हुआ है, वंश में जन्म लेने वाला है, तो बहुत ज़्यादा वीर है और वो सिंहों के मतलब शेरों के दांत मुंह फाड़कर दिखला देगा। मेरे हाथ, कवि कहता है कि उसके हाथों में जो हिमालय है वो सुरक्षित है। भव्य जो हिमालय है, बहुत बड़ा ऊंचा हिमालय, वो सुरक्षित है और उसी के जो सिंधु सिंहासन है, जो समुद्र है, वो भी इसी के हाथों में, इसी देश में सुरक्षित है। अब आगे कवि कहता है, मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। अब कवि आगे कहते हैं कि वह रोली से नहीं इस देश की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाता है, चंदन से नहीं इस देश की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाता है। अब और कवि कहता है कि यूँ तो उसका इस पूरी दुनिया से नाता है, पर उसे अपने देश के इस नाते से, इस संबंध से गर्व है। वो कहता है कि मैं जो कुछ हूँ इसका ही हूँ, जो कुछ हूँ इसी का हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ मेरे देश के लिए समर्पण है। आई होप ये आपको कविता समझ आ गई हो। यह आपकी कविता कंप्लीट हुई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविता थी। आप इसे लर्न कीजिए। इसमें आपको अपने देश के लिए समर्पण, सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। ना होमवर्क टाइम, होमवर्क में आपको इस कविता की 8 लाइनें लिखनी है और लर्न करनी है। ओके, और ये वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी पर करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और कविता लिखेंगे, कविता के साथ उसके नीचे आप उसके कवि का नेम भी लिखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।